क्या ओंकारेश्वर मंदिर में रात के समय गर्भगृह पर ताला लगने के बाद शिव और पार्वती चौसर खेलते हैं? महादेव से जुड़ी पुराणों की इस कहानी का साक्षात दर्शन करने के लिए आपको मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का रुख करना पड़ेगा। यहां आकर रात के समय के रहस्य का ऐसा दर्शन होगा कि महादेव पर आपकी आस्था भरपूर हो जाएगी। तो चलिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और देखिए शिव की चमत्कारिक दुनिया। अमरकंटक धाम से निकलकर नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर पहुंचती है। यहां पहुंचकर ये नदी दो हिस्सों में बंट जाती है। ओंकारेश्वर मंदिर नदी के दो हिस्सों के बीच बने टापू पर है और यहीं सामने मंधाता पर्वत है। ऐसे ही पवित्र तीर्थ ओंकारेश्वर में न्यूज 24 की टीम पहुंच चुकी है। पुराणों में ओम पर्वत के बारे में कहा गया है कि वो पर्वत जिसका आकार ओम की तरह हो, जो नर्मदा और कावेरी नदी के बीच में हो, जो आप ऊपर आसमान से देखे तो पूरा ओम की आकृति आपको नजर आए, उसी ओम पर्वत पर भगवान शिव विद्यमान है। नर्मदा नदी में नाव से उतरकर ओंकारेश्वर धाम तक जाने के लिए पतली गलियों से गुजरना पड़ता है। इन गलियों में हमारे कदम तेजी से बढ़ रहे थे ताकि जल्द से जल्द ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शन हो जाए। गलियों में पूजा सामानों की दुकानें और श्रद्धालुओं से कंधे से कंधा टकराते हुए हम ओंकारेश्वर महादेव मंदिर की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। ओंकारेश्वर मंदिर के रास्ते में श्रद्धालुओं से हमारा सवाल भी था कि आप भोले बाबा के बारे में क्या सुनकर यहाँ आए? ये शंकर महादेव जी का जो मंदिर है, यहाँ साक्षात वो लोग आते हैं और ये इसकी इसका एहसास हुआ है, हमें भी एहसास हुआ है। ओम महाकालेश्वर जो महादेव है वो यहाँ जब भी देखो साक्षात हाजिर है, इसका महिमा अपरूप भार है। यही स्थान है जहाँ पर शिव जी रात को विश्राम करने आते हैं, तो इसकी वजह से इसका महत्व बढ़ जाता है। कल रात को हम थे और रात में हमने देखा पूरा जिस तरह से चौपाट बिठाई थी, ये सौभाग्य दर्शन का प्राप्त हुआ था। कल रात को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ।